छत्तीसगढ़ की SECL चिरमिरी कोयला क्षेत्र के NCPH कालारी की आर रिक्त खदान में पिछले दिनों आग लगने की वजह से खान को बंद कर दिया गया था, जिसे आज रीओपनिंग किया गया है, जिसके लिए प्रबंधक खान को चालू कराने के लिए काफी मशक्कत की और छोटी छोटी बातों पर गौर करते हुए उसकी व्यवस्था खान क्षेत्र में व्यवस्थित की गई, ताकि रीओपनिंग के समय किसी प्रकार की कोई बाधा उत्पन्न ना हो सके, जिसके लिए चिरमिरी क्षेत्र के अलावा वेंकटपुर हसदेव क्षेत्र की रेस्क्यू टीम को पहले ही से ही बुलाकर इस कार्य में लगाया गया है और अस्पताल गौधरी के डॉक्टरों को भी इस कार्य में लगाया गया है, ताकि किसी भी प्रकार की कोई घटना घटित होती है तो उसे तत्काल मेडिकल सुविधा दिया जा सके, जिसके लिए इमरजेंसी मेडिकल स्थान बनाया गया है, जहां पर ऑक्सीजन बेड, स्ट्रेचर, दवाइयां आदि की व्यवस्था की गई है। साथ ही साथ एम्बुलेंस, पानी के टैंकर और खान पान की भी समुचित व्यवस्था प्रबंधक द्वारा की गई है, जिसके लिए श्रमिक संघों एवं कामगारों सभी लोगों ने इस रीओपनिंग के लिए कार्य में अपना योगदान दे रहे हैं, ताकि पहले की तरह R6 खदान में उत्पादन कर दे सके, जिसके लिए युद्ध स्तर पर कार्य जारी रहे। देखना तो ये है कि रीओपनिंग कर कार्य चालू थे तो पर उत्पादन कार्य कब से चालू किया जाता है, जिसकी सबको बड़ा ही इंतजार है। बताएं ये R6 खदान में किस लिए आई गई है? ये R6 खदान में रीओपनिंग कर रहे हैं, फायर होने के बाद में जब उसकी कंडीशन ठीक हो जाती है जी, ऑक्सीजन बिलो 2% आती है जी जी, तो उस समय हम रीओपन करते हैं। इसकी कितनी लागत है और ये कितने दिन तक यानी कितने घंटे तक चल सकता है? मशीन इसकी लागत है 4 लाख रुपया है एक मशीन का जी, और इंडियन कंडीशन में 2 घंटे चलती है। और माइस कितने घंटे तक रह सकता है एक व्यक्ति इसके भरोसे? 2 घंटे के, 2 घंटे मात्र। और ये जो सामान रखे हैं ये वाली, ये वाला ये भी सेम है, वही BG1 74 उसका प्रिंटिंग पेज है जी जी, वो मशीन अभी पुरानी हो गई है जी जी, इसलिए नया वर्सन ऐसे BG4 उतारा है मार्केट में जी। और ये जो नाक में लगाने वाले जो ग्लोव्स हैं, ये सब इसी का माउथ पीस, उसको माउथ पीस बोलते हैं इसको जी, पूरा पूरा इसमें कवरेज में ढका जाता है, इसमें बोल भी सकता है अभी पहनने के बाद। अभी ये डिटोल और ये हैंड वॉश रखे हैं, ये किस काम आते हैं? ये जो मशीन को एक बार यूज कर लेता है आदमी जी जी, उसके बाद दूसरी बार यूज करने से पहले उसको धोते हैं हम लोग जी, सिर्फ धोते हैं, फिर उसको डिटोल में निकाल के उसको इन्फेक्शन करते हैं, ताकि किसी को इन्फेक्शन वगैरह नहीं हो। आप अपने साथ में इसकी टीम भी आई होंगी, कितने लोग आए हैं कम से कम इसमें? टीम तो हसदेव से आई है, बैकुंठपुर से आई है जी जी, चिरमिरी से 3 जगह से टीम आई है। कितने कितने लोग की टीम रहती है? 6 लोगों की टीम रहती है। अच्छा अच्छा, कितने घंटे काम करते हैं माइंस के अंदर? माइंस में 2 घंटे काम करते हैं, यानी हर टीम 2 घंटे? हाँ 2 घंटे। चलिए ठीक, उसके बाद उनको रिलीफ दिया जाता है? हाँ उसके बाद रिलीफ दिया जाता है। चलिए ठीक, वो मशीनें देखी रखी हुई है, वो कहाँ की मशीन है? यूज हो चुकी है, चिरमिरी की मशीन है जी जी, वो यूज हो चुकी है, यूज होने के बाद खोल के रखी है। छत्तीसगढ़ से R स्टीफन की रिपोर्ट, समाचार इंडिया न्यूज़ छत्तीसगढ़।